बालोद परियोजना के 194 कार्यकर्ता और बालोद ज़िले के 1307 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब स्मार्ट होंगे। टच पैड स्मार्टफोन के माध्यम से रिपोर्टिंग होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़मीनी स्तर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। केस एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, यानी अपने महिला बाल विकास में एक केस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी बनाया गया है, उसी के आधार पर यानी प्रशिक्षण चल रहा है। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सर पहले मोबाइल बच्चे लोग के पास था और हम लोग छूते थे तो बच्चे लोग बोलते थे मम्मी आप मत छू बिगड़ जाएगा करके, और अभी हमको वो फोन हमको छूने मिल रहा है, हम भी उसको सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। उससे हमको समय की बचत हो रही है और हमारी जो भी जानकारी हम ऑफिस में जमा करते थे कई महीने लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे उसको, और बार बार हम लोग को ऑफिस जाने में भी परेशानी होती थी, इसके माध्यम से हम लोगों को हर सुविधा मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी कार्यकर्ताओं के पास तो मोबाइल ही नहीं था और डायरेक्ट फोन तो 50% कार्यकर्ताओं ने देखा भी नहीं था, तो वो देखने के पश्चात उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सरकार ने उनको इस योग्य समझा कि उनको एक एक एंड्राइड फ़ोन और विदाउट शुल्क उनको प्रदान किया है, तो वो कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह थी इस कार्य को करने के लिए। ठीक है कुछ कार्यकर्ताएँ थोड़ा समझने में समय लगा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको उत्साह को देख के लग रहा है कि बहुत जल्दी सीख लिखा होगा। यहाँ पहचान है हमारी कि हम रियल टाइम में काम कर रहे हैं कि डेमो मोड में। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ से राज्य स्तर तक पहुँचेगी और निर्णय जो है वो द्रुत गति से होगा, काम में तेज़ी आएगी और दूर दराज के इलाकों में भी सूचना प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी बालोद छत्तीसगढ़ से।